अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े मज़ेदार से एक रेसिपी बनाने लगे हैं, मैक्रोनी फ्राइज। और वक्त ज़ाया किए बगैर हम फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी को बॉईल कर लेना है आपने, उसमें 2 चम्मच ऑयल और नमक जितना आपको मुनासिब लगे आप उतना डाल लें, और 2 कप मैक्रोनी उसमें शामिल करनी है। मैक्रोनी को आपने तकरीबन 90% बॉईल करना है। अब 90% ये आप खुद से चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 90% हो गई है। ये देखें इस तरह से ये माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो गई है तकरीबन 15 से 20 मिनट में। अब आपने इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। हल्की सी नमी इसमें बाकी है और ये इतनी रहनी चाहिए। अब इसमें 4 चम्मच मैदा, सिर्फ प्लेन मैदे के साथ आपने इसकी कोटिंग करनी है। इसमें हमने मजीद कुछ ऐड नहीं किया। अब एक्स्ट्रा जो मैदा है वो इसमें से हम छान लेंगे, और सिर्फ मैक्रोनी पे जितना लग गया है उतना ही हमने इसकी हमें चाहिए। एक्स्ट्रा जो है वो हम सब इसमें से स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। ऑयल को हमने मुनासिब गर्म करना है, ज्यादा हीटअप नहीं करना। अब इसमें मैक्रोनी आपने इस तरह से फैला देनी है, खोल खोल कर डालनी है ताकि इजीली फ्राई हो जाए। और तकरीबन 30 से 35 सेकंड तक आपने इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, इसको ऐसे ही फ्राई होने देना है ताकि इसकी कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। उसके बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है और ये लाइट गोल्डन सा कलर इसका होगा तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। इसके बाद अब हम एक बॉल ले लेंगे ये फ्राई हुई हुई मैक्रोनी। इसमें हम नमक, पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, जिंजर पाउडर 1/2 चम्मच और 1 चम्मच चाट मसाला। इन सब चीज़ों के साथ मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत खस्ता और बहुत क्रिस्पी बनती है ये, माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है मेरी आपको रेसिपीज बहुत पसंद आ रही हैं। अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक्स करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।